शलोम, हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सबको स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है मनी एंड सैंक्टिफिकेशन। आर यू सर्विंग गॉड और मनी? मतलब पैसा और पवित्रकरण, आप परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का प्रेम करते हैं और मैमन का प्रेम करते हैं। हम पढ़ेंगे 2 Kings 5:20-27। प्रभु का वचन निकालेंगे दो राजा और पढ़ेंगे अध्याय 5 पद 20 से लेके 27 तक। पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर के जन एलिशा के सेवक गेहाजी ने सोचा, देखो मेरे स्वामी ने उस सीरियाई नामन को यों ही छोड़ दिया, जो कुछ वह लाया था उसको उसके हाथ से नहीं लिया। यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले ही लूंगा। अतः गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। जब नामान ने किसी को अपने पीछे दौड़ते देखा तो उसने उससे मिलने को उतरकर कुछ पूछा, सब कुशल तो है? उसने कहा, सब कुशल है। मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने भेजा है, देख एप्रेम के पहाड़ी देश से नबियों के दो शिष्य मेरे पास आए हैं, कृपया उनके लिए एक तोड़े चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे दे। नामान ने उससे कहा, खुशी से दो तोड़े ले लो। उसने उससे आग्रह करके दो तोड़े चांदी अलग अलग थैलियों में बांधी और उसके साथ दो जोड़े वस्त्र रख कर अपने दो सेवकों को दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने उन्हें उनसे लेकर घर में रख दिया और उन्हें विदा किया, अतः वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलिशा ने उससे पूछा, गेहाजी तू कहाँ गया था? उसने कहा, तेरा सेवक तो कहीं नहीं गया। तब उसने उससे कहा, क्या मेरा हृदय उस समय तेरे साथ न था जब वह मनुष्य तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा? क्या यह अवसर धन वस्त्र जैतून की बारी दाख की बारी बेड़ बैल दाखर दाख दास दासी लेने का है? इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीन सा श्वेत अर्थात कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु का धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे हमारे पिताजी के लिए, उन पर अभिषेक होने के लिए और हर एक जन जो रिकॉर्ड ये यूट्यूब के द्वारा सुन रहे, प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे दिल से बात करेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। आज प्रभु जो हम सच्चाई सीखने वाले प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु कि ये सच्चाई जो शैतान सुनने को नहीं देने वाला, रुकावट लेकर आने वाला झूठ बहकावे को हम बांध देते हैं। पूरा पवित्र आत्मा आपके नाम से ये वचन पर सामर्थ और अभिषेक जिस काम के लिए निकलेगा वो पूरा होकर ही लौटेगा। इसलिए धन्यवाद पिताजी पर आपका अभिषेक होने के लिए, उनका दावा लेना जो वो समझाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप सच में उनके मुख के द्वारा हर एक हृदय से बात करोगे, इसलिए धन्यवाद। उनका ताबा लिया, उनको ताजगी से भर दिया, आपका अभिषेक सामर्थ से उनको भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। शलोम, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर उसका वचन में हमको बहुत बार चेतावनी देता है कि पैसा का
प्रेम सब बुराई का जड़ है। और ये गिहाजी का उदाहरण के द्वारा ये हमको स्पष्ट होता है। कैसा ये आदमी जो एलिया नबी का सेवक था, और शायद उसके बाद वो भी उसका वो नबी बनने वाला था, लेकिन पैसा का लालच के कारण गिर गया। भाई बहनों, हम कितना सावधान होना चाहिए पैसा का बारे में। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसा का प्रेम बुरा है, बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारी है। और इसलिए हम आज थोड़ा पैसा के बारे में मनन करेंगे, सीखेंगे प्रभु का वचन क्या बोलते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि प्रभु का वचन पैसा के बारे में बहुत सारा कुछ हमको सिखाता है। शायद हमको अजीब लगेगा कि 1 कुरिन्थी 13 जो सुप्रीति का अध्याय है उसको 13 पद है, लेकिन 2 कुरिन्थी 8 और 9 अध्याय साथ में मिलकर 39 पद है जो सिर्फ पैसा के बारे में हमको सिखाता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का दृष्टि से पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सही इस्तेमाल करेगा तो हमको फायदा होगा, शारीरिक फायदा, आत्मिक फायदा। लेकिन हम सही रीति से पैसा के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन और हमारा पवित्रकरण में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भाई बहनों, ये जो नजदीक रिश्ता है पैसा और हमारा पवित्रकरण का काम का जो प्रक्रिया है उसका बीच में, वो हम ध्यान में रखना है और उसके और हम बहुत सावधान होना चाहिए। बहुत बार ऐसा लगता है कि पैसा के बारे में बात करना थोड़ा कई लोगों को शर्म लगता है, कई लोग बिंदास उसके बारे में सिखाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ढोंगी नहीं होना चाहिए, सही जो अर्थ है पैसा का और उसका इस्तेमाल करने का वो हम बराबर समझना बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। भाई बहनों, कोई बोलेगा हम पैसा का प्रेम नहीं करते इसलिए हम प्रचार नहीं करेंगे। ये प्रचारक समझो अपराधी है, क्यों? हमको परमेश्वर का एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है पैसा का कैसा रीति से सही इस्तेमाल करना, कैसा उसके साथ व्यवहार करना वो सिखाने के लिए। तो पहली बात ये है, प्रभु यीशु मत्ती 6:24 में
हमको सिखाता है। पढ़ेंगे मत्ती 6:24, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से नफरत और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और मैमन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, ये जो हिंदी बाइबल है उसमें मैमन जो है वो पैसा लिखा, धन लिखा, लेकिन ये सही नहीं है। परमेश्वर उसका वचन में उसने एक शब्द इस्तेमाल किया मैमन, और वो बदलना, शब्द बदलना, बदलने के लिए हमको कोई अनुमति नहीं है। मैमन जो है वो मैमन है, और उसका मतलब क्या है? मतलब मैमन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। मैमन ये दर्शाता है एक दुष्ट आत्मा जो पैसा का प्रेम करने के लिए हमको लगाते है और उसके द्वारा हमारा नाश करते है। ये हम समझना बहुत जरूरी है। पैसा के द्वारा ये दुष्ट आत्मा हमको नियंत्रण में रखता है, हमको कंट्रोल करते है और हमको गुलाम बनाते है। तो भाई बहनों, जो लोग ऐसा दुष्ट आत्मा का, शैतान का कंट्रोल में आते है, नियंत्रण में आते है, ये लोगों का आत्मिक स्तर जो है वो आगे नहीं बढ़ता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है। क्यों? ये बुरा भी है और विनाशकारी भी है। तो प्रभु हमको क्या बोलता है कि परमेश्वर और मैमन का बीच में चुनाव करना बहुत जरूरी है। शायद हमने कभी किया ही नहीं है। उसमें चार चीज परमेश्वर ने बोला है। एक बोला है कि सचमुच तू परमेश्वर का प्रेम करता है तू पैसा का नफरत करेगा। तू परमेश्वर को पकड़ के रहेगा, थामे रहेगा, तो तू पैसा को तुच्छ समझेगा। और तू पैसा का प्रेम करेगा, परमेश्वर का तू नफरत करेगा। पैसा के और तू थामे रहेगा तो तू परमेश्वर को तुच्छ मानेगा। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने उसका पहाड़ का जो सर्मन है, संदेश है, उसमें ये सिखाया हमको। तो उसके ऊपर हम मनन करना और हमारा जीवन जांचना बहुत जरूरी है। बहुत सारा जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, उनको मालूम भी नहीं है कि ये लोग पैसा का प्रेम करने से परमेश्वर का नफरत करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है। और उसको तुच्छ समझते हैं। क्यों? ये पैसा का और ये आर्थिक और भौतिक जो बातें हैं उनका बहुत प्रेम करते हैं। देखो भाई बहनों, ये दिमाग का बातें नहीं है, ये दिल का बातें हैं। समझो, कोई
पूरा परमेश्वर का वचन अच्छे से जानता है, सही वचन उसको मिलता है, सही प्रकाशन भी मिला है। और दूसरा भाई को ऐसा कलीसिया में है जिधर बराबर वचन नहीं मिलता है, कोई प्रकाशन नहीं है। समझो ये दोनों जान पैसा का प्रेम करते हैं तो उसमें क्या फर्क है? दोनों जान नरक में जाएंगे। तेरा कलीसिया में कितना भी अच्छा शिक्षा मिलेगा और सच्चाई तू जानेगा, ये दिमाग का बात है, लेकिन दिल में हमको पैसा का प्रेम है, कुछ फायदा का नहीं भाई बहनों, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पैसा के बारे में हमको एक तटस्थ रवैया नहीं हो सकता है, मतलब हम कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते है। हमको कोई पूछेगा तू शैतान का प्रेम करता है क्या? करता है भी और नहीं भी करता है, नफरत भी करता है, प्रेम भी करता है, ये तटस्थ होता है, न्यूट्रल नहीं। भाई बहनों वैसा ही पैसा के बारे में हमारा रवैया तटस्थ नहीं हो सकता है, क्यों? प्रभु ने क्लियर लिखा है, एक जान का प्रेम करेगा, दूसरा का नफरत करेगा। तो हमने चुनना, एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। देखो भाई बहनों, एक तिमती 6:9 पढ़ेंगे, एक तिमतियों 6:19। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। भाई बहनों, हम गियाजी का जीवन का उदाहरण के द्वारा देखा कैसा ये व्यक्ति पाप में गिरा और उसको सजा भी मिला। तो प्रभु का वचन सही है कि हम पैसा के साथ खेलेंगे और उसको पहला स्थान देंगे हमारा जीवन में, तो हमारा जरूर नाश हो जाएगा। कि क्यों पैसा का प्रेम के द्वारा ये दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आता है और हमको ये गलत रीति से जीने के लिए, गलत रीति से पैसा का इस्तेमाल करने के लिए पाप के वजह, पाप के और हमको दखल देता है और एक दिन हमारा नाश होता है। हम इब्रानियों 11:24-24 निकालेंगे, इब्रानियों 11 और पढ़ेंगे पद 24 से लेके 26 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ
दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिश्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाए था। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा को उसका एक महान काम के लिए चुना था, जो यहूदी लोग मिस्र देश में जी रहे थे और उनका जीवन में कष्टों से गुजर रहे थे, सताव उनका जीवन में था, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना अद्भुत रीति से। जैसा बच्चों को मारने का एक फरमान आ गया, तभी मूसा का माँ ने उसको एक टोकरी में डाल के छुपाया और नदी में छोड़ दिया। वहाँ फिरौन का बेटी आई थी स्नान करने के लिए, उसने देखा और उसको उसमें क्या है वो उसको लेके आया और उसने ये सुंदर बच्चा मूसा को देखा और उसने निर्णय लिया कि उसको गोद लेगी। गोद लेने से वो राजा का बेटा हो गया, राजकुमार बन गया और उसका पूरा पालन पोषण और रीति से हुआ। उसका पढ़ाई, उसका जीवन एक राजा का जैसा हुआ। वो एक मिस्र देश का वारिस बन गया। फिरौन के बाद मूसा फिरौन बनने वाला था। लेकिन भाई बहनों, एक दिन मूसा को मालूम पड़ा कि वो फिरौन का बेटी का बेटा नहीं है, वो मिस्र देश का वासी नहीं है, सचमुच वो एक यहूदी है। तभी विश्वास के साथ, भाई बहनों, हमारा निर्णय हमेशा विश्वास के साथ होना चाहिए। विश्वास के साथ होने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, मुलाकात के द्वारा। तभी हम ऐसा निर्णय ले सकते जो मूसा ने लिया। क्या निर्णय लिया? कि वो उसने चुना टू एंडियर द ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर के प्रजा के प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। पहला उसने उसका विरासत नकारा और परमेश्वर का लोक है उनके साथ वो जुड़ गया और उसने निर्णय लिया कि मैं, मेरा जो लोक है, परमेश्वर का जो लोक है, उनके साथ कष्ट उठाना, सताया जाना, ये सबसे अच्छा है, उचित है, ना तो ये पाप का जीवन, पाप का सुख विलास का जीवन जीने से। भाई बहनों, जो परमेश्वर का योजना है वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार पूरा करना जरूरी है। लेकिन मूसा ने क्या किया? एक गलती किया, खुद का मन के अनुसार
खुद का शक्ति के अनुसार, खुद का समझ के अनुसार वो सोचा मैं परमेश्वर यहूदी लोगों को मैं छुटकारा दिलाएगा। जब भी एक झगड़ा हुआ यहूदी और मिस्र देश का व्यक्तियों का बीच में, उसने मिस्र देश का व्यक्ति को मार डाला और उसके बाद वो भाग गया, एक रेगिस्तान में भाग गया और वहाँ वो एक चरवाहा बन गया। परमेश्वर ने वो समय उसको ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया। देखो भाई बहनों, आजकल बहुत सारा लोग पास्टर बनता है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं। ट्रेनिंग क्या? सिर्फ वचन का ज्ञान नहीं है, स्वभाव का। बहुत लोगों का स्वभाव बहुत बुरा है, पैसा का प्रेम करते हैं और उनका पूरा सेवकाई जो है ना वो पैसा कमाने का एक 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 माध्यम बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर मूसा को सही ट्रेनिंग देना चाहता था। बाद में उसका ट्रेनिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ा, क्यों उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ था। आजकल तो लोग कोई सही ट्रेनिंग कोई नहीं लेते हैं, अचानक खड़े रहते हैं, कलीसिया शुरू करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव भी सही नहीं है, उनको प्रभु का जो वचन है उसका उनका जानकारी और ज्ञान भी बराबर नहीं है। इसके लिए बेचारा लोगों का जीवन बर्बाद होता है। लेकिन मूसा का जब भी सही ट्रेनिंग हो गया और परमेश्वर ने उसको भेजा, उसने इतना अद्भुत काम किया। वो उनका अगुवाई से यहूदी लोगों को छुटकारा मिला, रेगिस्तान में उनको लेके आया। भाई मीनो, जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, सही निर्णय और सही ट्रेनिंग, हमारा दिल का, हमारा स्वभाव का और प्रभु का वचन का, हम प्रभु का परमेश्वर का जो लोक है उनका अगुवाई हम नहीं कर सकते, हम लीडर नहीं बन सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा का जो लालच है उसके ऊपर हम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये पैसा का लालच लोगों का, लीडर लोगों का, सब लोगों का नाश कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो भाई बहनों, तो दूसरा समय वो बहुत यशस्वी हो गया, उसको सफलता मिला। क्यों? परमेश्वर का अगुवाई से वो उसने काम किया और उसके और अधीन रहा। भाई बहनों, हम यशुआ के बारे में पढ़ेंगे, यशुआ 24:14-25। प्रभु का वचन निकालेंगे, यहोशू 24 और पढ़ेंगे पद 14 से लेके 25 तक। इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार तथा मिस्र देश में जिन देवताओं की सेवा करते थे उनको त्याग कर यहोवा की सेवा करो। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हारी बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनका सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार करते थे, या एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, ऐसा कदापि ना हो,
कि हम यहोवा को त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमें और हमारे पूर्वजों को मिस्र देश अर्थात गुलामी के घर से बाहर निकाल लाया। देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और जिस मार्ग से होकर हम चलते तथा जिन जिन जातियों के देशों से होकर निकले उनमें हमारी रक्षा की। 25 पढ़ेंगे। इसलिए यहोशू ने उस दिन लोगों से करार बंधाई और शमेक में उनके लिए विधियां तथा नियम ठहराए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला दो मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है कि वो उसका सामने दूसरा कोई देवता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसने क्लियर बोला। तो भाई बहनों, यीशुआ का समय, मूसा का समय, ये यहूदी लोग बहुत सारा अलग अलग देवताओं का पूजा करते थे। इसलिए यहोशुआ उनको बोलता है तुमने मिस्र देश में भी ऐसा गलत भगवानों का पूजा किया और मिस्र देश रेगिस्तान में भी तुमने वही किया। अभी परमेश्वर ने तुमको प्रतिज्ञा का देश में लाया, वहाँ भी उधर का गांव वाला है अमोराइट्स, ये लोगों का भी ये है, भगवान है, देवता है, तुम किसका पूजा करेंगे, किसका सेवा करेंगे, किसका प्रेम करेंगे? आज चुन लो, आज निर्णय करो। भाई बहनों, हम शायद मूर्तियों का, दूसरा भगवानों का हम पूजा नहीं करते हैं, हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के पराई देवता है। उनमें से एक है पैसा। आज पूरा दुनिया पैसा का पीछे जा रहा है और जैसा दुनिया जा रहा है, जो लोग खुद को विश्वासी बोलता है, मसीह बोलता है, ये लोग भी वही कर रहे हैं। हमारा ब्रिटानिया का गोलमाल 50-50 हो गया, 50 प्रभु का पीछे, 50 संसार का पीछे, पैसा का पीछे, ऐसा हमारा मसीह जीवन चल रहे है। और कई बार हम प्रभु का पीछे इसलिए जाते हैं ताकि हमको थोड़ा रेशन पानी मिलेगा। आज बहुत सारा पास्टर इसमें बिजी है, उनको चावल देने के लिए और तेल देने के लिए बस इतना मिलता है करके ये लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं होता है, उनका नया जन्म नहीं होता है, फिर भी ये पास्टर लोग उनको बपतिस्मा देता है और उनका जीवन में कुछ फर्क नहीं है। उल्टा कई लोग दुष्ट आत्मा से भरा है, बंधन में है, लेकिन ये लोग, उनका लीडर कुछ नहीं करते हैं। तो भाई बहनों, हम ये समझना है कि मूसा होने दो, यहोशुआ होने दो, हमको बोलता है निर्णय ले लो, निर्णय ले लो, तुमको क्या चाहिए। और हमारा परमेश्वर उसका सामने विरोधी बर्दाश्त नहीं करता है, उसका अलावा दूसरा कोई नहीं। हमने हमारा जीवन का 100%, हमारा वफादारी, हमारा प्रेम, हमारा सेवा सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन शैतान
बहुत बार नहीं, हमेशा उसका आकर्षण के द्वारा हमको फंसाता है। मुझे एक जोक का याद है कि एक व्यक्ति स्वर्ग के तरफ जा रहा था मौत के बाद, जाते 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 उसने अच्छा म्यूजिक सुना, दुमडम धमाका, और उसमें लाइट्स था, साइकेडेलिक लाइट था, रंगीत लाइट भी थे। तो उसने अचानक वो उसका जो सुरदूत था उसको बोला, मैं उधर जाना चाहता हूँ। इस सुरदूत ने बोला, वो तेरे लिए नहीं है। लेकिन उसने जोर किया, जिद पकड़ा, मुझे जाने का ही है देखने के लिए। गया उधर और कौन मिला उसको? शैतान मिला, जिसने उसको खींच कर नरक के ओर लेके गया। उसने बोला, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, म्यूजिक चाहिए, धमाका चाहिए, ये सब जो लाइट्स है, साइकेडेलिक रंगीत, वो मैं। भाई बहनों, शैतान ने उसको बोला, ये जो मैंने तुझे दिखाया वो तूने देखा, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी था तुझे आकर्षण करने के लिए इधर मेरे पास आने का, लेकिन सही जगह नरक में है। भाई बहनों, ये एक स्टोरी है, लेकिन उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं कि आज शैतान ने ये संसार में अलग अलग तरीका का आकर्षण बना के रखा है ताकि हम प्रभु यीशु के ओर ना जाए, उसका प्रेम ना करे, उसके ओर हमारा समर्पण ना करे और संसार को त्याग ना दे। इसलिए अलग अलग आकर्षण रखा है। ये आकर्षण है पहला हमारा पैसा, बाद में है ये सब जो पिक्चर जो रहता है, फिल्म से रहता है, और इंटरनेट रहता है, मोबाइल रहता है, म्यूजिक रहता है, नौकरी, अलग अलग तरीका का के द्वारा शैतान हमको आकर्षित करता है ताकि हम प्रभु की ओर ना जाए, संसार का प्रेम करें। हम संसार का सोचते हैं ये जानते हुए कि संसार हमारा हमेशा का निवास नहीं है, ये थोड़ा टाइम का है, हम सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन शैतान हमको इतना भरमाता है, पागल बनाता है कि हम दूसरा कुछ समझने के लिए, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। शैतान हमको आकर्षित करते है संसारी बातों की ओर, घर, गांव, परिवार, पैसा, नौकरी, ये सब चीज। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा शैतान मोबाइल का इस्तेमाल करता है लोगों को आकर्षण करने के लिए, ये पोर्नोग्राफी के द्वारा, अलग अलग गेम्स के द्वारा, ये जो सीरियल आता है टीवी के द्वारा, ये सब हमको नाश करने का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है शैतान का। हम समझना चाहिए कि दो मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन भाई बहनों, हम प्रभु का पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 तिमोथी 6:8-10 पढ़ेंगे। 1 तिमोथियों 6:8-10 यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो
तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं, वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। देखो भाई बहनों, मैं समझ सकता हूं कि जो अविश्वासी लोग ऐसा करते हैं गलत, लेकिन जो लोग खुद को क्रिश्चियंस बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, ये लोग शैतान का फंदा में फंस गए हैं। ये दुखी बात है और इसलिए हमने सावधान रहना चाहिए। हम हमारा मसीह जीवन हल्का रूप से नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये फंदा में हम नहीं फंसने के लिए हम क्या करना है? देखो भाई बहनों, हमारा सामने बहुत सारा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह एक सुतार था, उसने 30 साल तक के काम किया, पैसा कमाया और ये पैसा के द्वारा वो उसका माँ का देखभाल किया, उसका जो भाई और बहन थे उनका ही भी सेवा किया, लेकिन पैसा का प्रेम नहीं किया। उसका दिल में सिर्फ उसका पिताजी का प्रेम था। उसने पैसा का सिर्फ जितना इस्तेमाल करना है उतना ही किया। अभी एक दो तरीका है हम ये पैसा का प्रेम से हमको छुटकारा पाने के लिए, दो तरीका है। एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। सकारात्मक क्या है हम देखेंगे मत्ती 13:44-45 पढ़ेंगे। मत्ती 13:44-46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। भाई बहनों, ये जो दो व्यापारी है उनका जीवन में समझो खजाना था और धन था, मोती था, लेकिन उनका मुलाकात और ये खजाना के साथ हुआ। जो पहला जो खजाना था उससे बेहतर था, उससे अच्छा था, उससे मूल्यवान था। वैसा ही ये मोती का व्यापारी, उसके पास ऐसा बहुत सारा बेमूल्य पत्थर था, लेकिन अभी उसको और एक मोती मिल गया जो वो सब मोतियों से बेहतर था, अच्छा था और मूल्यवान था। तो उसने क्या किया? उसका जो पहला खजाना था, पहला मोती था, वो सब उसने छोड़ दिया, बिक दिया, बेच दिया और ये मोती और ये खेती, खजाना का खेती उसने खरीद लिया। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं
कि जब तक ये दो व्यापारियों का मुलाकात नहीं हुआ एक नया खजाना और कीमती खजाना के साथ और कीमती मोती के साथ, ये लोग कभी उसका पुराना खजाना और मोती त्याग नहीं सकते थे। जब भी एक खजाना का प्रेम उनके अंदर आ गया, ये मोती का प्रेम आ गया, तभी ये लोग आसान से ये दूसरा सब कुछ त्याग दिया, बेच दिया। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए। आज मसीह लोग ये पैसा का प्रेम में क्यों फंस जाते हैं? क्यों उनको पैसा से बढ़कर दूसरा प्रेम अभी तक मिला नहीं है। ये लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह सही खजाना है उसके साथ उनका मुलाकात हुआ ही नहीं, उनको दर्शन मिला नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो सही और मूल्यवान मोती है उसके साथ उसका उनका मुलाकात नहीं हुआ, दर्शन नहीं मिला। मुलाकात होने के बाद क्या होता है कि प्रभु यीशु का प्रेम हमारा दिल भर देता है, पूरा भर देता है। हमको एक नया अनुभव मिलता है, एक दर्शन मिलता है और हमारा आंखें खोल जाता है क्या मूल्यवान है और क्या मूल्यवान नहीं है। और तभी जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हम गिरते हैं, तभी हमको ये सब संसारी चीज़, सब संसारी चीज़, पैसा होने दो, हमारा दागिना होने दो, हमारा सजावट होने दो, हमारा खजाना होने दो, और कुछ भी नौकरी होने दो, हमारा परिवार होने दो, हमारा सब कुछ हम छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? हमको दूसरा प्रेम मिला, हमको दूसरा खजाना मिला, दूसरा मोती मिला जो उससे बेहतर है। शादी भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी का रिश्ता में हम प्रवेश करेंगे भाई बहनों, तभी वो हमारा पति बन जाता है, वो हमारा दूल्हा बन जाता है और हमका हमारा दिल में इतना सारा प्रेम होता है कि हमको दूसरा शादी नहीं मिलेगा अभी तो चलेगा, लेकिन प्रभु का इच्छा है तो ठीक है, लेकिन हम गलत शादी कभी नहीं करेंगे। ऐसा भाई बहनों, ये सकारात्मक एक बात है, तरीका है। नकारात्मक क्या है? लोगों को बोलने का पैसा का प्रेम मत करो, नौकरी का प्रेम मत करो, परिवार का प्रेम मत करो और ये मत करो, वो मत करो, दारू मत पियो, बीड़ी मत फूको, व्यभिचार मत करो, ये नकारात्मक है। जब तक हमको प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट नहीं मिलेगा, उसका प्रेम का ये अनुभव हम नहीं पाएंगे, ये सब कुछ छोड़ने के लिए हमको बहुत तकलीफ होते है। लेकिन एक बार हम ये प्रभु के साथ शादी का करार करेंगे, एक शपथ लेंगे, प्रभु हमको अनुग्रह देता है, हमारा दिल प्रेम से उसका प्रेम से भरता है और ये दूसरा सब जो टॉक्सिक बातें हैं हमारे अंदर ये सब निकाल देता है। जैसा हम ओपनिंग डोज रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये लेते हैं गोली पेट साफ करने के लिए, हाजमे की गोली, क्या हाजमे की गोली, हाजमे की गोली साफ करने के लिए। जब भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर आता है, ये सब हानिकारी जो बातें हैं वो चले जाते हैं। प्रभु यीशु के साथ साथ और कोई नहीं रह सकता है। हमारा सही नया जन्म हुआ और परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो शैतान को उधर बीच में रहने के लिए जगह किधर है? सब गलत जो वस्तुएं हैं उसमें से प्रभु हमको छुटकारा देते हैं। भाई बहनों, इसके अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। जैसा एक लड़की एक लड़का का बहुत प्रेम करती है,
लेकिन उसके बाद उसको दूसरा एक लड़का मिलता है जो उससे सुंदर है, उससे अमीर है, उससे अच्छा है, और धीरे धीरे दूसरा लड़का को छोड़ देगी, त्याग देगी कि दूसरा मिला। लेकिन पहला दूसरा मिलना चाहिए ना। जब तक हमको प्रभु यीशु नहीं मिलता है, हम ये पैसा का प्रेम करते रहेंगे, नौकरी का प्रेम करते रहेंगे, और लोगों को बोलेंगे मैं विश्वासी हूँ। कौन सा विश्वास? हमारा विश्वास तो पैसा क्या हो रहा है? पैसा हमारा नया भगवान बन गया, नया देवता बन गया, और उसका पीछे हम जाते हैं। लेकिन प्रभु हमको ये सिखाता है कि ये पैसा और भौतिक जो चीज़ें हैं उसका अलावा और एक है जिसको हम बोलता है आत्मिक धन संपत्ति, और ये अनंत काल संपत्ति है। भाई बहनों, उसके बारे में हम और एक बार देखेंगे और सीखेंगे, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि हमको सचमुच प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का पहला प्रेम हम बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हमारा मुलाकात होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा आंखें खोल जाए, हमारा दिल खोल जाए, और उसका दिल से हमारा प्रेम भरे। भाई बहनों, जिधर अंधकार है, अंधकार का श्राप देकर अंधकार नहीं चले जाते हैं, लाइट ऑन करने का है, तभी अंधकार भाग जाते हैं। वैसे ही भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे दिल से कि उसका अलावा दूसरा कोई नहीं, वो एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक ही प्रेमी है, एक ही सही मालिक है जो हमारा प्रेम करते हैं। जब ही ऐसा एक मुलाकात होगा और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारा अंदर आ जाएगा, ये दूसरा सब प्रेम, पैसा का और नौकरी का और संसार का हर एक चीज़, प्रभु हमको छुटकारा देगा, हमको विजय देगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भाई कि तुमको ये अनुभव परमेश्वर दे, ये मुलाकात तुम्हारा जीवन में हो, और तुम चाखे प्रभु यीशु कितना अच्छा है, कितना मीठा है, तभी ये दूसरा चीज़ तुम्हारा जीवन से चले जाएगा, और तुम पैसा के लिए नहीं है और ये संसार के लिए नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु उसने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे लिए वो मरा। वैसे ही अभी हम सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तू कितना अद्भुत और सुंदर है, अपने हमारा कितना प्रेम किया, लेकिन प्रभु आज तक हमको शायद ये प्रेम का अनुभव नहीं मिला है। हमारा आंखें बंद है, हमारा दिल भी बंद है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आंखें खुला करो, हमारा दिल खुला करो प्रभु, ताकि हमको आपके साथ एक मुलाकात होने दो, आपका दर्शन हमको मिलने दो प्रभु, हमारा दिल आपका प्रेम से भर देना प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आपके ओर ले जाने के लिए हमको मदद करो प्रभु, अनुग्रह दो प्रभु। और ये बड़ा दान उदार का, नया जन्म का हमको दे दो प्रभु, और हमारा दिल आपका प्रेम से भर देना। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारा मालिक बने, हम स्वीकार करना चाहते हैं, जो अपने क्रूस के ऊपर महान हमारा उदार का काम किया वो हम ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमको मदद करो प्रभु, हमको मदद करो प्रभु, हमारा पाप का पश्चाताप करने के लिए हमको मदद करो, अनुग्रह दे दो, शक्ति दे दो प्रभु, ताकि सब कुछ छोड़ते हुए जो मूल्यवान मोती है और खजाना है उसका वो हम खरीद ले सके,
और हम उसका प्रेम कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। God bless you.